आज राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य गंगाराम भोसले बारा करेरा के गांव फतेहपुर का भ्रमण किया, जहां फॉरेस्ट अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा दलित की गोली मारकर हत्या की गई। वहां मृतक के परिवारजन से मिलकर घटना की पूर्ण जानकारी ली तथा प्रशासन से मिलकर मृतक के परिवार को क्या सुविधाएं दी जा रही है इसका भी जायजा लिया तथा माननीय सदस्य जी ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि मृतक की पत्नी को नौकरी व रहने के लिए मकान आदि उपलब्ध कराए जाए। यहाँ का आने का उद्देश्य क्या है आपका? यहाँ आने का उद्देश्य मेरा है, ये करेरा में कमीशन को ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ जो है कि वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी परिवार का व्यक्ति कि फॉरेस्ट वन विभाग के कुछ अधिकारियों के द्वारा वाद विवाद होने पर उनकी हत्या हो गई। ठीक है, उसकी मैं निरीक्षण करने के लिए आया हूँ। हत्या होने का कारण क्या है, वाद विवाद होने का कारण क्या है, घटना घट गई, जिन लोगों ने गोली कांड किया और उसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए, तो अधिकारियों का कहना है कि उसमें से आधे लोग गिरफ्तार हो गए। कितने? आठ, छः आदमी गिरफ्तार हो गए हैं, बाकी के जो हैं कि अभी कुछ फरार हैं, इसलिए पुलिस कार्रवाई कर रही है, उनकी टीम बनाई है तो वो उनको तलाश भी रही है। सर, किस तरह की सहायता दी जा रही है इन लोगों? जिला प्रशासन के द्वारा इनको जो कोई भी अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति पे आकस्मिक कोई घटना होती है तो उसको 5,000 रुपये देने का नियम है जिला कलेक्टर के द्वारा, वो इनको दे दिया गया है। बाकी का 8,00,000 रुपये जो राशि दी जाती है उसमें से 4,00,000 कुछ इनको दे दिया है और मृतक की पत्नी के खाते में वो जमा हो गया है। बाकी के जो राशि रह गई है 4,00,000 रुपये, वो भी सब परीक्षण मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद में जिला प्रशासन वो भी इनको, और मैंने अधिकारियों को ये कहा है कि जो आप राशि दे रहे हैं वो मृतक की पत्नी के साथ में उसके बच्ची वो बच्चा और सास के साथ संयुक्त अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट जिसको बोलते हैं वो खुलवा के राशि जमा कराई जाए, जिससे पैसे का दुरुपयोग नहीं हो। जब बच्चा बच्ची बालिग हो जाए तो उनके शादी विवाह में काम आए और जो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में उनके लिए काम आए, शासन उनकी आर्थिक मदद कर रही है, पैसे का दुरुपयोग ना हो, ये मेरा सख्त निर्देश है। मैंने अधिकारियों को बोला है और अधिकारियों ने अपने पटवारी को इसके लिए निर्देशित किया है कि वो सोमवार को जाके संयुक्त खाता खुलवा दे। बात करने के धन्यवाद।